मथुरा के बरसानी नहारी में प्रधानी चुनाव को लेकर चली अंधाधुंध गोलियां, पूर्व प्रधान पुत्र सहित 5 घायल। बता दें बरसाना के नहारी ग्राम पंचायत में प्रधानी चुनाव के दौरान 2 प्रधान प्रत्याशियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। अंधाधुंध फायरिंग हुई, इसमें प्रधान प्रत्याशी के पुत्र के गोली लग गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बता दें प्रधानी चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। वहीं SP देहात श्री चंद भी मौके पर पहुंच गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरसाना थाना क्षेत्र के नहारी गांव में गुरुवार प्रातः 2 प्रधान प्रत्याशी के बीच गोलियां चल गईं। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी सियाराम, जो कि मथुरा स्थित होटल का मालिक है, उसके और पूर्व प्रधान रहे मलखान के समर्थकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गयी। बता दें अनाधुंध गोलियां चली, इस दौरान एक गोली पूर्व प्रधान मलखान के 28 वर्षीय पुत्र के लिए लग गयी, साथ ही 4 लोगों को गोली के छर्रे लगने से घायल हो गए। वहीं घटना से चुनाव के दौरान अफरा तफरी मच गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल और PSC मौके पर पहुंच गयी। मथुरा से संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। आर्मी में निकलने वाला था, इसका जब नाम लिखा दिया तुमके साथ में, अब इसकी गोली मार। ये हमारे साथ, हम अपने कमरा पे पर्चियाँ काट रहे थे, उन्होंने सूदे आके गोलीबारी कर दी। कम से कम जो गोलीबारी करी है वे तो 5-7 लोग थे, पर उनके पीछे ना बहुत सारे लोग थे। हमारी तरफ से आई है कम से कम 15 लोगों के लिए गोली। कितने लोगों के लिए गोली? दो बंदे के लिए। दो मेरे भाई छोटे के हेमल के और मेरे बड़े भाई केदार के। केदार क्या वजह थी जो गोली की थी? जो सर जी वे जबरदस्ती वोट करवा रहे थे। वोट करवा रहे थे वे सियाराम प्रधान। कौन सी पार्टी से लगे हैं? इलेक्शन का मामला था, डुप्लीकेट वोट डाल रहे थे, हम मना कर रहे थे, नहीं ऐसे डाले नहीं और ऐसे बोल रहे थे, हम ठीक है, हमने मना किया तो मना करने वाले गाली देने लगे, फिर हमने रोका उन्हों के, फिर ताल तोड़ करने लगे, छोटी भी दे दी दुकान में, पर घर आ गए, घर पे आके फिर बैठे हुए थे। जनपद मथुरा के थाना बरसाना के नहारा गाँव में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते मतदान चल रहा था। जो प्रधान पक्ष के लिए जो प्रत्याशी हैं, महिलाओं के जो समर्थक हैं, वो वहाँ पर आए और फर्जी वोटिंग को लेकर उनमें विवाद हुआ, जिसको वहाँ पर तैनात पुलिस बल द्वारा खदेड़ा गया। बाद में गांव में जाकर के पुनः दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडे के साथ साथ फायरिंग की भी सूचना है। दोनों पक्षों से कुल मिलाकर 3 लोगों को फायरिंग इंजरीज है, जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है, CPMS टीम में बताई जा रही है। अन्य लोगों को भी जिनको इंजरीज हैं उनका भी इलाज और मेडिकल कराया गया है। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, साथ ही साथ PSC तैनात कर दी गई है। हमारे और DM साहब द्वारा भी मौके का मुआयना कर लिया गया है। इस समय पर गांव में शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है, लोग मतदान कर रहे हैं। इस घटना से संबंधित कुल 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुख्य अभियुक्त सियाराम व मलखान सिंह, जो कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। लगातार उनसे पूछताछ चल रही है, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को